नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर सुशांत कुमार सेठी इंडिया टीम का टीम कमांडर हूँ। मुझे सुबह एक खबर मिली थी यहाँ का जो सिविल प्रशासन द्वारा कि एक बिल्डिंग है जो कोलैप्स हुआ है, जिसमें 3 से 4 जो आदमी है फंसने का चांसेस है, और जिसमें मैं अपना टीम लेके वहाँ चल दिया और मेरे को फिर अपडेट मिलती रही और मैं उनका साथ अपडेट रहता रहा। तो मुझे खबर मिली कि 2 जो हमारा जो फायर ब्रिगेड है उनके द्वारा वो एक टीम को निकाल चुके हैं और एक जो मावा सिराज हो गए तो 3 साल का लड़के हैं उनको अभी तो मिसिंग है। और इसीलिए मैं भी अपना टीम के साथ लेके यहाँ पे पहुँचने के बाद और फिर मैं अपना सर्च करने लगा और फिर मैं आप देख रहे हैं कि जो बहुत बड़ा जो बीम है उनको हम मशीनरी द्वारा साइड कर रहे हैं, उसके द्वारा मैनुअली हम सर्च करेंगे। मेरा जो स्क्वायर है उनके द्वारा मैं सर्च करूँगा और मेरा डॉग स्क्वाड जो यूनिट में है वो आने वाला है, पहुँचने वाला है, उसके द्वारा फिर मैं डॉग के द्वारा भी सर्च करूँगा। एक्चुअली अभी जो है एक ही मिसिंग है तो अब जो सूचना भी मिली है और बाकी हाँ NDRF एक ही टीम है, 30 को स्ट्रेंथ है और हमारे साथ पूरा इक्विपमेंट है, जो सर्चिंग इक्विपमेंट है, कटिंग इक्विपमेंट सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। अभी हम इसलिए जल्दी मलबा नहीं हटा रहे हैं कि हमको हम उम्मीद करते हैं कि जो मोहम्मद सिराज मिसिंग है वो सही सलामत हो और हम उनको जीवित निकाल सकें। कितने लोग अंदर हाँ अभी जो सूचना मिल रही है कि एक मोहम्मद सिराज कन्फर्म है और उनके साथ और भी कोई मिसिंग हो तो हम सिविल प्रशासन है उनके द्वारा पता चल रहा है।